होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पंचायत मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमारे अधिकार वापस दो, वापस दो, वापस दो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं, विरोध में है क्योंकि ये सरकार जो हम पे ई टेंडरिंग राइट टू रिकॉल ये जो लगा रही है ये संविधान में कहीं कोई लिखित नहीं है। मेरी तो सरकार से ये कहनी है क्योंकि हम इलेक्टेड पर्सन है, इलेक्टेड पर्सन पे कोई भी टेंडरिंग का वो नहीं होता। हमारे जो 29 अधिकार है 73वीं सूची के 11वें अध्याय के वो सरपंचों को दे दिए जाए क्योंकि सरपंच भी अपने आप में मुख्यमंत्री है, सरपंच को सरकार चलाने की पावर होती है। इस सरकार ने पहली बार ये गलत काम कर दिया है कि सरपंचों को छेड़ दिया है, और जिस सरकार ने सरपंचों को छेड़ा है मेरा वादा है कि 2024 में बीजेपी और जेजेपी सरकार नहीं बनेगी। राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग वापस नहीं होते तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि सभी गांवों में विधायकों की घोषणा देंगे एक एक ट्रैक्टर लेकर सरपंच से लेकर रवाना होंगे, घेराव करेंगे, क्या होगा? हमारा अगला जो पड़ाव है 1 तारीख के बाद सारे सरपंच एक ट्रैक्टर और 10 आदमी हमें साथ लेकर सरपंच चंडीगढ़ का हम पूछ करेंगे, चंडीगढ़ विधानसभा का हम घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। जब तक हमारी बातें मुख्यमंत्री साहब जो सरकार सोई हुई है नहीं जगती है हम वहां से वापस नहीं हटेंगे। विधायकों को रोका जाएगा गाँव में? विधायकों को देखो रोका जाएगा, विधायकों को हम रोकने का तरीका क्या है कि भाई गांव में असंवैधानिक तो बात हम करेंगे नहीं कि कोई आए तो घुसने ना दे, क्योंकि ये एक असंवैधानिक बात है। हमारा रोकने का मतलब ये है कि इलेक्शन है 2024 में, अगर हमारी बातें विधायक नहीं उठाएंगे नहीं मानेंगे तो 2024 में पलट देंगे, अपना बात मान जाएंगे अगली सरकार मानेगी। ज्ञापन में यही मांगे कि सरपंच का मानदेय 30,000 रुपये हो और पंच का मानदेय 5,000 रुपये हो, ई टेंडरिंग वापस हो जो भ्रष्टाचार की जननी है, 29 अधिकार जो हमारे संविधान में लिखे हुए हमको वापस करे जाए, पंच का मानदेय 5,000 रुपये हो, सरपंच का 30,000 मानदेय। महेश कुमार हमने ई टेंडरिंग के खिलाफ ज्ञापन दिया डीसी साहब को और अपने क्षेत्र के जितने भी विधायक हैं सबसे पहले उन विधायकों को दिया, आज डीसी साहब को दिया क्योंकि वो जिले के मालिक हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं, सरकार जो ये कह रही है कि देवेंद्र बबली के थ्रू एक बयान दिया गया है कि पंचों को अधिकार दे दिए जाएंगे। पहला नंबर तो हमारे जो पंच इस बात का ज्ञान ही नहीं है, जब तक सरपंच सस्पेंड नहीं हो या सरपंच की मृत्यु ना हो तब तक कोई भी अधिकार कोई नियम ऐसा नहीं है कि जो पंचों को अधिकार दे दिया जाए। दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ 95% जो पब्लिक है वो सरपंच डील करता है, 2% MP 3% MLA और 24 में इलेक्शन इनका खड़ा है। इनके जो दिमाग में ये हमारे प्रति सरपंचों के प्रति गंध भरी हुई है ना, मैं आपके चैनल से ये चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को 2 साल हुए मंत्रालय को, 1.5 साल का लगभग लगभग जांच की जा, उनकी देखी जाए एक्चुअल में क्या है। उन्होंने सीधा सीधा जो फंडा है ये टेंडरिंग अपने एक निजी स्वार्थ के लिए लिया है। वो तो ये कह रही है कि भ्रष्टाचार कम हो गए, भ्रष्टाचार कम कैसे होगा आप बताइए, वही SDO वही JE वही BDO सारा सब कुछ वही है, इसमें 200 सदस्य और बढ़ा दिए, 200 सदस्य का मतलब कमीशन और बढ़ाना, सीधा सीधा बात है। और टेंडर काम है किसी भी गाँव में कहीं भी आप धरातल पर उठाकर देख लिए एक काम पूरा हुआ हो। और आप बता दूं मैं ये कह रहे हैं कि सरपंच के हाथ में पावर है, 7 दिन बाद पेमेंट वीडियो कर देगा, सारे जो जितने भी सरपंच फ्रेश बने तो का जो जितना भी जो गबन है अच्छा कोई भी कुछ भी लगा रहे सारे फ्रेश सरपंच अधिकारी सिखाते और इन्होंने जो पावर दोबारा फिर अधिकारियों को दे दी, अधिकारियों को अपनी जो पावर दे दी है इससे सारी जितनी पारदर्शिता वो खत्म होगी,
इसलिए हम आपके चैनल से माध्यम कहना चाहते हैं, सरकार 2024 में इलेक्शन लड़ा है किसी भी कीमत पर, ये सरपंच ये सहन नहीं करेंगे और ये सरकार किसी भी कीमत पर 24 में नहीं आएगी अगर सरपंचों की मांग नहीं मानी। नमस्कार जी, पहले तो मैं आपका ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे बीच में आना उचित समझा। आज हम सरकार के पास ई टेंडरिंग के खिलाफ उपायुक्त महोदय को अपना ज्ञापन देने के लिए सारे सरपंच एकत्रित होकर के यहाँ सेक्रेटरियट में आए हैं। क्या मांगे हैं ज्ञापन में? सबसे पहली मांग तो ई टेंडरिंग, ये राइट टू कॉल, और जो ये 2 लाख की किया इसको 25 लाख करवाने के लिए सारे हरियाणा प्रदेश के सरपंच अपने अपने जिले के मुख्यालयों पे आज मुख्यमंत्री के पास अपना ज्ञापन पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं। हमने पहले डीसी के माध्यम से, फिर विधायकों के माध्यम से, फिर मंत्रियों के माध्यम से, और आज पुनः, क्योंकि आज हरियाणा विधानसभा का सेशन है, विधानसभा के अंदर अपनी आवाज उठाने के लिए आज हम डीसी मैडम को यहाँ ई टेंडरिंग के खिलाफ, राइट टू कॉल के खिलाफ और 2 लाख जो पावर दिया उसके खिलाफ उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं। सरपंचों ने ये भी चेतावनी दी है अगर मांगे पूरी नहीं होते एक गांव से एक सरपंच एक ट्रैक्टर लेकर चंडीगढ़ जाएगा, और ये भी कहा कि गांवों में जो विधायकों को नहीं बैठने दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये कड़वा सच है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा ना, क्यों चाहे हमें चंडीगढ़ जाकर ही मुख्यमंत्री के आवास का घेराव क्यों ना करना पड़े, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर राजा की एक की नहीं चलती, जनमत के सामने किसी एक व्यक्ति की नहीं चलती, सारे हरियाणा प्रदेश का जनमत आज एकत्रित होकर के बैठा है, तो सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को झुकाने के लिए चाहे हमें चंडीगढ़ ही क्यों ना कूच करना पड़े, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी हम शांति से नहीं बैठने वाले हैं। विधायकों को भी रोका जा सकता? बिल्कुल, आप रोकने की बात कर रहे हो, मैं फिर कह रही हूँ कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, हमें तो प्रजा ने सुन लिया 5 साल के लिए, इनका केवल 1 साल बकाया है चुनाव में, अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम औंधे मुंह लटका देंगे चुनावों के अंदर इस सरकार को। मैं फिर कह रही हूँ कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, हमें तो प्रजा ने सुन लिया 5 साल के लिए, इनका केवल 1 साल बकाया है चुनाव में, अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम औंधे मुंह लटका देंगे चुनावों के अंदर इस सरकार को। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया देंगे तो निश्चित रूप से आपका यह अपना चैनल वैभव क्रांति प्रगति के पथ की ओर अग्रसर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।